नाग नागिन जोड़ों का नृत्य उस समय कौतूहल और चमत्कार का विषय बन गया जब गांव में प्राचीन मंदिर पर ग्रामीण माता की आराधना करने के लिए संगीत के साथ भजन गायन में मसरूफ थे। ग्रामीण ढोलक और मजीरा के थाप पर माता के भजन गा रहे थे। उसी समय एक नाग नागिन का जोड़ा मंदिर के पास नृत्य करता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोगों ने दैवीय चमत्कार मानकर मंदिर में अखंड पूजा अर्चना आराधना शुरू कर दी। यह खबर पाकर ग्रामीणों के साथ क्षेत्र के लोगों का मंदिर पर तांता लग गया। मामला थाना जाकुरा क्षेत्र खसवा गांव का है, जहां नाग नागिन का नाच कौतूहल और चमत्कार का विषय बन गया। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नवमी की रात की जब हम सभी लोग माता के भजन कीर्तन में संगीत के साथ मसरूफ थे, तभी मंदिर के पास चबूतरे पर दो सांपों का जोड़ा डांस करता हुआ दिखाई दिया। देखने से दोनों नाग नागिन लग रहे थे। उन्हें देखकर सभी यह मान रहे हैं कि इस मंदिर में यह कोई चमत्कार से कम नहीं। हालांकि यह मंदिर काफी पुराना है और यहाँ पर इसके पहले भी कई चमत्कार जैसे कार्य हुए हैं। यह मंदिर आए हुए भक्तों की दुख और पीड़ा को हर कर उन्हें सुख की अनुभूति कराता है। कौन से गांव के हो? कल क्या हुआ? कल हम आरती घुमाए थे, सब जने हटे जाने उतर से दो पंजे से कड़ी बाबा ने हमने मन से मारे कर। कितनी देर रहे यहाँ पर? कितना समय रहे? एक घंटा नाथपुरा। कौन से गांव के हो? खसुआ। कल रात में क्या हुआ? कल रात में देवी के दरबार में जब रात के समय में यहाँ आए आरती भाई, आरती शुरू भाई, इसमें दरार में से दो सर्प निकले, दोनों सर्प खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में फिर भगवान का जयकारा लगाया, भगवान का जयकारा लगा करके फिर भी नीचे हो गए, चबूतरा के नीचे हो गए। नीचे के बाद में फिर वहाँ से फिर ऐसे चले आए, फिर ऐसे चले आके फिर यहाँ दूसरी जगह देव मन स्थान पे दोनों ऐसे लिपटे हुए आपस में और दोनों फन ऊपर को किए, सब जनों को दर्शन दिए। सब जनों के दर्शन के बाद इसके बाद देवी आई। देवी ने मना किया कि उन सर्पों को कोई मारना नहीं, यदि आत्महत्या हो जाएगी तो ग्रामवासियों को नुकसान पहुंचेगा। देवी के फिर इसके बाद जाने के बाद फिर यहाँ से सब लोग प्रसाद पा करके अपने अपने वहाँ जहाँ दिवाला लगा हुआ था वहाँ सब लोग पहुँचे। लगभग कितने लोग थे यहाँ? यहाँ करीब करीब 100-150 आदमी थे। क्या यह पहली बार हुआ? पहली बार हुआ ये।